ये अपना महल की ओर मैं भी जा रहा हूँ झोपड़ी में बैठ करके माँ का राह देखूंगा। जाइए। नहीं भैया, रुक जाओ भैया, आप तो मेरा प्राण का रक्षा किए हैं। हाँ। मैं वैसे जंगल से वापस नहीं जाऊंगा। क्या? मैं आपसे दोस्ती लगाऊंगा, उसके बाद मैं जंगल से अपना घर जाऊंगा। दोस्ती? हाँ भाई। देखो कुमार जी, दोस्ती तो एक बराबर बराबर में होते हैं। कहाँ आप राजा महाराजा का पुत्र है, कहाँ मैं एक भिखारी हूँ, क्या ये दोस्ती जमेगी? बिल्कुल नहीं जमेगा। नहीं भाई, दोस्ती में अमीरी और गरीबी को नहीं देखा जाता है, दोस्ती दिल से होती है, दिल रहना चाहिए और कोई बात नहीं है भाई, बस मुझसे दोस्ती लगा लो, उसके बाद मैं अपना घर वापस लौट जाऊंगा। नहीं कुमार जी, पहले ये आप बताइए आपका कहाँ घर हुआ? मेरा घर पड़ता है उत्तमपुर शहर। उत्तमपुर शहर? हाँ भाई। और आपका पिताजी का नाम क्या हुआ? मेरे पिताजी का नाम राजा उत्तानपाद सिंह। राजा उत्तानपाद सिंह। और आपका नाम क्या हुआ कुमार? मेरा नाम उत्तम कुमार। उत्तम कुमार। हाँ भाई। देखो कुमार जी, मैं जो भी काम करता हूँ अपनी माँ से पूछ करके ही करता हूँ, इसलिए यहाँ से चलो माँ के पास, अगर माँ ने दोस्ती लगाने के लिए कहेगा तो मैं दोस्ती लगाऊंगा। तो क्या इस जंगल में माँ रहती है? हाँ कुमार जी। ठीक है भाई, चलो उस माँ के पास, मैं माँ से आरजू विनती करूंगा कि माँ मेरे भाई से दोस्ती लगा दो। लेकिन कुमार जी, मैं क्या देख रही हूँ, मैं अपने पुत्र को इसी झोपड़ी में बैठा कर गई थी भिक्षा मांगने के लिए, लेकिन मेरा बेटा ये झोपड़ी छोड़ करके कहाँ चला गया? बेटा ध्रुव, तुम कहाँ हो बेटा? माँ! अरे माँ, प्रणाम माँ। खुश रहो बेटा। बेटा। हाँ माँ। प्रणाम माँ। अरे बेटा ध्रुव। हाँ माँ। ये बालक कौन है? माँ, ये बालक जंगल आया था शिकार खेलने के लिए, और शिकार खेलते खेलते इसे भूरा शेर खाने के लिए दौड़ पड़ा माँ। जब ये जोर जोर से चिल्लाने लगा तो मैं झोपड़ी में बैठ करके भगवान का गुणगान कर रहा था, तो जैसे ही मैं इसका आवाज सुना मैं इसे जा करके बचा लिया। बेटा। हाँ।
आज तुमने इस झोपड़ी में रह करके कितना बड़ा काम किया। क्यों नहीं माँ, अगर आज तुम इस झोपड़ी में नहीं रहते तो शेर इसे जिंदा नहीं छोड़ते। हाँ माँ, इसे नोच नोच करके खा जाते। हाँ माँ, जब मैं इसे बचाया तो ये कहने लगा आप मेरा प्राण बचाए हैं, आप दोस्ती कर लीजिए हमसे। क्या दोस्ती? हाँ माँ, मैं इसे बहुत समझाया ये नहीं माना। लेकिन बेटा इसका कहाँ घर है, क्या नाम है, ये कहाँ के रहने वाले हैं? अरे माँ, इससे पूछो ये सब कुछ बता देंगे माँ। ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ। सुनो बालक। हाँ माँ। तुम जो मेरे बेटे से दोस्ती लगाने के लिए आए हो इस जंगल में, ये बताओ कि तुम्हारा कहाँ घर है? माँ, हाँ, मेरा घर पड़ता है उत्तमपुर शहर। और तुम्हारे पिता का क्या नाम? मेरे पिताजी का नाम है राजा उत्तानपाद सिंह। और तुम्हारा क्या नाम? मेरा नाम है उत्तम कुमार। देखो, तुम एक राजा महाराजा की लड़का हो, मेरा बेटा एक भिखारन की, दिन भर भीख मांग करके लाते हैं, तो दोनों माँ बेटा मिल करके भोजन करते हैं। जिस दिन भीख मांगने के लिए नहीं जाते उस दिन दोनों माँ बेटा भूखे झोपड़ी में सो जाती हूँ। देखो, तुम घर वापस चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे माता पिता तुम्हारे इंतजार करते होंगे, ये दोस्ती नहीं लगेंगे। नहीं माँ, मैं वैसे जंगल से वापस नहीं जाऊंगा माँ, क्योंकि ये भाई मेरा प्राण का रक्षा किया है, मैं इनसे दोस्ती लगा करके ही जाऊंगा, वरना मैं इस जंगल में अपना प्राण को त्याग दूंगा, कभी लौट कर वापस नहीं जाऊंगा माँ। नहीं, ऐसा नहीं कहो। अगर तुम अपना प्राण मेरे झोपड़ी के निकट दे देंगे, ये पराचित मुझे लगेगी। डिग्री मेरी बना दे, डिग्री मेरी बना दे मैया जी, मेरी मैया जी, डिग्री मेरी बना दे ओ भोली भाली मैया, डिग्री मेरी बना दे ओ भोली भाली मैया, डिग्री मेरी बना दे, डिग्री मेरी बना दे ओ भोली भाली मैया, डिग्री मेरी बना दे ओ भोली भाली मैया। आया हूँ तेरे दर पे डिग्री मेरी बना दे, डिग्री मेरी बना दे भोली भाली मैया, डिग्री मेरी बना दे ओ भोली भाली मैया, डिग्री मेरी बना दे। Oh,